रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि इस साल रूस द्वारा कच्चे तेल का ज्यादातर निर्यात भारत और चीन को किया गया है उन्होंने कहा वर्तमान स्थिति में हमारे मुख्य भागीदार चीन व भारत हैं चीन की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग पैंतालीस माइनस पचास प्रतिशत हो गई है बकौल नोवाक इसमें भारत की हिस्सेदारी दो वर्षों में करीब करीब शून्य से चालीस प्रतिशत हो गई है यूरोप में रूसी तेल के निर्यात में आई है गिरावट और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें